तो इस पार्ट में मैं बोर एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बोर ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, उसने भी रदरफोर्ड की थ्योरी, जो बेसिक पॉइंट्स थे, उसी से स्टार्टिंग किया। एटम है, उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो यहाँ भी मैंने दिखा है पॉजिटिव जेड ई। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर जेड होगा तो इस न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस जेड ई चार्ज आ जाएगा। कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन में है, और वो प्रोटॉन सारे कहाँ है? इस न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं। न्यूक्लियस में बैठे हुए, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज हो गया? प्लस जेड ई चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बेचारा चुपचाप इसके अराउंड राउंड घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? माइनस ई, देखिए यहाँ मैंने लिखा है। और सपोज ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर वेलोसिटी वी से मूव करना है और रेडियस इस सर्कुलर पाथ का आर है, तो सभी लोग बेसिक मैकेनिक्स से जानते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आएगा? ये सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस पॉजिटिव जेड ई एंड माइनस ई। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिख सकते हैं के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स। दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, दैट कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस प्लस जेड ई दैट इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो कूलम फोर्स है ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, देयरफॉर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कि यू इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू वन क्यू टी बाई आर। ये यू है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के टाइम्स क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे के क्या है? के तो मेरा वही कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बार बार इसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा वो लिखने से। तो यू इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू वन क्यू टू बाई आर। क्यू वन क्या है? क्यू वन है जेड ई, क्यू टू है माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। तो ये टोटल हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एटम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एटम कितना हुआ? यू इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स जेड ई स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होता है? वो तो बच्चा जानता है भाई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर को आप यहाँ वाले टर्म से वी स्क्वायर को यहाँ पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा हाफ टाइम्स के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, सिंपल सा। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करके मैंने ये लिखा है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज U इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। आप इन दोनों रिलेशन को देखें, आपको आराम से दिख जाएगा U इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ दिस एटम एंड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी होगा U प्लस K। तो इसको मैं ऐड कर दूं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? U क्या है? माइनस टू के प्लस K इज इक्वल टू माइनस K हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ K जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो इस स्टेप तक सभी ने समझ लिया होगा, और ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसमें मैंने अभी कुछ भी नया क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कुछ भी नहीं लगाया है। सिंपल जो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, उसको यूज किया और मैं इस स्टेप तक पहुँच गया। दैट एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दैट एटम इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। उसमें पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होता है,
और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू प्लस के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है, और टोटल एनर्जी जो है वो माइनस है। टोटल एनर्जी माइनस इसलिए भी होना है क्योंकि ये एक बाउंड सिस्टम है। बाउंड सिस्टम मतलब ये सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को छोड़कर बाहर नहीं भाग रहा है। तो आपने ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें जरूर ये देखा होगा कि कोई भी अगर इस तरह का सिस्टम हो, अगर उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब वो एक बाउंड सिस्टम है, और बाउंड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी को नेगेटिव होना ही पड़ता है। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है, और यहाँ तक मैंने सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ही फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। तो इस एनर्जी के फॉर्मूले से आप क्या देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो रेडियस आर पे डिपेंड करता है। तो अगर आर मेरा क्या है, कुछ भी कंटिन्यूसली वेरिएबल एक रेडियस हो सकता है, आर हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो जाए, 10.01 सेंटीमीटर हो जाए, 10.002 सेंटीमीटर हो जाए, और उसी के अकॉर्डिंग इस एटम इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी भी चेंज करता रहेगा, ये क्लासिकल थ्योरी में हो। लेकिन यहाँ पर अब बोर महाशय जो है, बोर जो है वो कूद पड़े और उन्होंने अपना दो तीन पोस्टुलेट दे डाला। पोस्टुलेट मतलब उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी, थ्योरी का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बस उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा होता है। पहला थ्योरी तो उन्होंने ये दिया कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो भले ही ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। बस उसने बोला कि हम बस बोल दिए कि नहीं करता है तो नहीं करता है, उसका उसने कुछ ज़्यादा रीजनिंग नहीं दिया, बस उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गोल गोल एक ऑर्बिट में मूव करता है, और ऑल दो इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सेलरेटिंग बिकॉज ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, बट इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। इसका एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट है, और ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट का उसने नाम दिया। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब ये कि इसकी एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट है, एनर्जी घटती नहीं है। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो पहला प्रॉब्लम था उसको बोर ने कैसे दूर किया, बस बोल दिया कि नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होता है वो तो मैक्सवेल थ्योरी को मानता ही नहीं है, वो यहाँ से एनर्जी को रेडिएट ही नहीं करता है। ठीक है, ये उसने पहला अपना थ्योरी दिया। अब आप कहेंगे कि इस तरह की बकवास, बिल्कुल मनगढ़ंत टाइप की कुछ थ्योरी दे दिया बोर ने और सबने उसे माना क्यों? तो सबने उसे इसलिए माना, उसकी थ्योरी के जितने भी तीन चार प्रोपोजिशंस थे जिसको मैं आगे अच्छे से लिख दूंगा, इसलिए घबराइए नहीं, उस प्रोपोजिशन का यूज़ करके जब उसने थ्योरी दिया तो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया। अब क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए लोगों ने इस बोर के बहुत सारे प्रोपोजिशन जो एक तरह से बकवास ही लग रहा था उसको मान लिया, कि बोला चलो भैया बकवास कर रहा है लेकिन जो भी थ्योरी दे रहा है उससे एक्सपेरिमेंटली तो वेरीफाई कर पा रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। तो बोर ने पहला क्या कहा कि एटम इलेक्ट्रॉन में घूमेगा जरूर लेकिन वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, पहला तो इसकी दादागिरी ये हुई बोर की। दूसरा उसने ये कहा कि एटम उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैं एल से लिख रहा हूँ, एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर होता है, सभी लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, v क्रॉस r क्या हो जाएगा, एम वी आर हो जाएगा। उसने क्या कहा है बोर ने कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है l इज इक्वल टू एम वी आर, दिस इज इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ h क्रॉस, वेयर h क्रॉस क्या है, h अपॉन 2π, और h क्या है, h इज प्लैंक कांस्टेंट, जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉय वेवलेंथ वाले चैप्टर में देखा था। तो वो महाशय प्लैंक जो है वो यहाँ भी कूद पड़े। तो बोर ने क्या कहा कि एटम सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहाँ पे उसको ये कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेगा। तो ये बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का एक नया आइडिया था, और ये नया आइडिया इसलिए है क्योंकि जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, आर जो है रेडियस वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोर ने कहा कि नहीं, जब हम लोग इसमें आ गए एटॉमिक थ्योरी में, तो आर आपका ऐसा नहीं कि कुछ भी आप हो सकता है, आर को इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच क्रॉस, और जो जो आर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही अलाउड ऑर्बिट होगा इस इलेक्ट्रॉन का, बाकी ऑर्बिट जो है वो अलाउड नहीं होंगे। तो ये भी जो एक प्रोपोजिशन बोर ने दिया, इसका उसने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन या कुछ रीजनिंग नहीं दी, बस बोला कि ये होता है, इसको मान लो,
तो बोर ने दूसरा मेजर पोस्टुलेट जो दिया वो ये दिया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस वेयर एच क्रॉस इज एच अपॉन टू पाई। तो जब आप इस वाले रिलेशन को यूज करेंगे तो आपका लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगा। वो कैसे, मेरे पास अभी दो रिलेशन है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये पहला रिलेशन है। और ये रिलेशन कहाँ से आया, ये तो सभी को मालूम होगा, ये रिलेशन कहाँ से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, सभी को मालूम है, ये पहला रिलेशन था। और दूसरा रिलेशन आ गया एम वी आर इज इक्वल टू एन एच क्रॉस। दूसरा रिलेशन जो है वो बोर का पोस्टुलेट है दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस। तो अब इस दो रिलेशन को देखने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए इस दो रिलेशन में आपके पास अननोन क्या है, के जेड ये सब तो गिवन कांस्टेंट है, पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट ऑफ द मोशन है। अननोन मेरे पास क्या क्या है, अननोन एक तो वी है, दूसरा अननोन आर है, अननोन मेरे पास दो हैं, इक्वेशन मेरे पास दो हैं, तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप v को और r को दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ z एंड m एंड k अदर पैरामीटर्स। ये जो बोर का क्वांटाइजेशन वाला जो पोस्टुलेट था, इसको मैं क्वांटाइजेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने क्या दिया कि जो r है उसका एक फिक्स्ड डिस्क्रीट स्टेप्स ही हो सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में r कुछ भी हो सकता है, 10 हुआ, 10.001 हुआ, 10.002 हुआ, लेकिन बोर की थ्योरी में आप आगे देखेंगे कि r का कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा क्योंकि एम वी आर इज इक्वल टू एन मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस वेयर एन इज इक्वल टू क्या होता है, 1, 2, 3 ये इंटीग्रल हैं। तो ये क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू में ही स्टेप में बढ़ रहा है, इसका मतलब r का कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगा, इसलिए हम कहते हैं कि r जो है वो क्वांटाइज्ड हो गया, ऑर्बिट्स जो है वो क्वांटाइज्ड हो गया, डिस्क्रीट स्टेप्स में बढ़ रहे हैं। तो जो बोर ने ये अपना क्वांटाइजेशन वाला पोस्टुलेट दिया, इस पोस्टुलेट से फ़ायदा ये हुआ कि अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मैं इसमें से v भी फाइंड कर सकता हूँ, r भी फाइंड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये इक्वेशन नहीं रहता तो मैं इस v और r वाले रिलेशन को फाइंड नहीं कर पाता। तो अब इन दोनों का यूज़ करके आप इसको बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स एच स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर वाला टर्म जो है, वी स्क्वायर वाले टर्म को उठा के मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो उसके बाद आर की वैल्यू जो है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें इस पूरे एच क्रॉस और एम के ई स्क्वायर को मैं ए नॉट का नाम दे दूँ। तो आर एन, इसको मैंने एन इसलिए रखा है क्योंकि अब जो मेरा आर है वो एन पे डिपेंड करता है, किस इंटीग्रल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ उस पे डिपेंड करता है। तो जो आर एन है यानी कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट दैट विल बी एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड। और ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ से इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके आप इस स्टेप पे आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल एलजेब्रा है, इस दो रिलेशन में से v को एलिमिनेट किया तो r के टर्म्स में ये फॉर्मूला आ गया, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच क्रॉस होल स्क्वायर इंटू एम के जेड ई स्क्वायर। तो एच क्रॉस और m और k और ई स्क्वायर जो है वो सारे को मैंने निकाल के एक नया कांस्टेंट दे दिया, उसका नाम यहाँ पर ए नॉट लिखा है। इस ए नॉट का नाम होता है बोर रेडियस, उसको मैं यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल टू वो लंबा सा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस बोर एटॉमिक थ्योरी वाले चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उतने सारे फॉर्मूले को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं बता दूंगा कि कौन से 3-4 जो बेसिक फॉर्मूला हैं जो आपको याद होने चाहिए, और उन 3-4 बेसिक फॉर्मूला से आप 99% क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आर एन कैसे आया है, बहुत ही आसान था। अगर आपको आर एन की वैल्यू मालूम हो गई तो यहाँ पर एनर्जी में देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 kZe² / r, r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये आ जाएगा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -E₀ Z² / n² वेयर E₀ इज अगेन वन कांस्टेंट। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के एम और ई स्क्वायर के टर्म्स में एक कांस्टेंट आएगा, वो आप बुक में देख लें उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है,
न्यूमेरिकल वैल्यू इस ई नॉट का होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें ए नॉट और ई नॉट का एग्जैक्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर वो याद रखना जरूरी नहीं है, बस अब याद ये रखना है, ध्यान ये देना है कि आर एन जो है वो एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड होता है और ई एन जो है वो माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले से, आर एन के फॉर्मूले से और ई एन के फॉर्मूले से अब आप ये देख पा रहे हैं कि जो रेडियस भी है वो भी एन पे डिपेंड करता है, एनर्जी भी जो है वो एन पे डिपेंड करता है, और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 1, 2, 3 कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये जो एन जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और एटॉमिक थ्योरी में इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं कि जब आप आगे आईआईटी में क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स भी होता है। एक तो ये एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एल होता है वो एजिमेथल होता है, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अभी फॉर दिस लेवल सिर्फ आपको ये एन की जो वैल्यू है, एन वाला जो क्वांटम नंबर है जिसको मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहा हूँ, उसी पर ध्यान देना है। तो अभी आपने ये देखा कि जो रेडियस है वो भी एन पे डिपेंड करता है, एनर्जी है वो भी एन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस भी क्वांटाइज्ड है और एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि उसके डिस्क्रीट स्टेप्स होंगे। जब मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में था तो मैंने देखा था कि एनर्जी कुछ भी हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, 10 के बाद 10.5 भी हो सकता है, 10.11.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस होता है एनर्जी। लेकिन अब बोर एटॉमिक थ्योरी में आ गए हैं तो आप इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट एन, तो आप देखेंगे कि एन इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, फिर एन इज इक्वल टू 2 के लिए 3.6 हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब 13.6, 3.6, उसके बाद ये डिस्क्रीट स्टेप्स में ही एनर्जी चेंज होता है। इसका मतलब एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। सिमिलरली जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट जिसको मैं ग्राउंड स्टेट भी कहता, फर्स्ट स्टेट है उसका जो ए नॉट होता है हाइड्रोजन के लिए वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉन। फर्स्ट स्टेट का ये होगा, वो भी डिस्क्रीट स्टेप्स में चेंज हो रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ क्लासिकल थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में क्या हो रहा है कि रेडियस और एनर्जी दोनों क्वांटाइज्ड स्टेप्स में, डिस्क्रीट स्टेप्स में चेंज हो रहे हैं। तो बोर एटॉमिक थ्योरी का ये जो दो फॉर्मूला है जिसको मैंने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, और हर जगह इसको मैंने जेड के टर्म्स में लिखा है। और आप भी इस फॉर्मूले को जेड के टर्म्स में ही याद करिए या जेड के टर्म्स में ही समझिए, क्योंकि आईआईटी में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको रेडियस या एनर्जी या वेवलेंथ कंपेयर करने को दिया जाएगा बिटवीन डिफरेंट एटम। तो कभी आपको एक बार हाइड्रोजन दे दिया जाएगा, कभी हीलियम दे दिया जाएगा, कभी लिथियम दे दिया जाएगा। तो सबका क्या है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। तो ये जो एटॉमिक नंबर पे क्या डिपेंडेंस है रेडियस का और एनर्जी का, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो रेडियस का और एनर्जी का एन पे क्या डिपेंडेंस है और जेड पे क्या डिपेंडेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो इसी दो रिलेशन पे आते हैं। रेडियस और एनर्जी का जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, बहुत ही, इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। कुछ लोगों को ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। इसमें दो की स्टेप्स होते हैं, एक जो फोर्स वाला स्टेप है के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और दूसरा ये एनर्जी वाला, टोटल एनर्जी कैसे निकाला। और ये वाला जो पॉस्टुलेट है बोर क्वांटाइजेशन का, वो तो उसमें रहता ही है। तो इन तीन रिलेशन का यूज़ करके आप ये आर एन और ई एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आईआईटी में कुछ क्वेश्चंस जो मैंने देखा है वो कभी कभी क्या करते हैं, इस फोर्स के रिलेशन को चेंज कर देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ रेडियस कैसा होगा, उसका वेरिएशन क्या होगा, एनर्जी का वेरिएशन क्या होगा। तो अगर आप इस स्टेप्स को समझ लेंगे तो आप कोई भी वेरिएशन इस तरह के क्वेश्चंस में आईआईटी वाले पूछेंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।